കുഡ് ആഫ്ടർനൂൺ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേ വീൽ സീ ദ ന്യൂ ലെസൻ ആനന്ദ് ഹി ആനന്ദ് ലെസൺ 7 ക്ലാസ് 3 കുഞ്ചൻ ബുക്ക് ആനന്ദ് മീൻസ് ഹാപ്പിനസ് സോ ആനന്ദ് ഹി ആനന്ദ് മീൻസ് ഹാപ്പിനസ് ഇസ് എവ്രി വേർ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ലെസൺ ടുഡേ അൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വീൽ ഗോ ത്രൂ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്ലീസ് റീഡ് ദ ലെസൺ അലാങ് വിത് മീ ടു ആർ ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്നൗൺസിയേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സലറേ कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया हम डर गए थे कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर जपट तो नहीं पड़ा फिर दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़ते उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले तीन चार दिन से भोजन नहीं कर रही है उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह गुंकार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे वह बहुत डर गए हैं और घर जाने के लिए रो रहे हैं हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए दो दिन बीत गए प्रातः का समय था दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे बच्चों जल्दी इधर आओ जल्दी आओ मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुँचे दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से बाबित कर रही थी आज कितनी शांत है कुत्ते के बच्चे से खेल रही है मैंने चकित होकर पूछा कुत्ते के बच्चे से दादाजी हंसते हुए बोले हाँ कुत्ते के बच्चे से ये पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों के नज़र बचाकर पिंजरे में घुस गया शेरनी सो रही थी पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा शेरनी की नींद खुल गई उसने पिल्ले को देखा सूंगा और उसे चाटने लगी पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा शेरनी भी प्रश्न थी दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती फिर खुद खाती रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार ना दे उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए शेरनी भोजन समाप्त कर घुर्रा आई इधर उधर देखा पिल्ला कहीं नजर नहीं आया उसके बाद से वह घुरा रही थी गरज रही थी खाना पीना बंद था उधर पिल्ला भी परेशान था चार दिन बीत गए रक्षक भाई भीतते कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी क्या करें पिल्ला निकला तो था पर गया कहाँ पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था बाहर एक दुकान थी दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया पिल्ले ने भी वहाँ अनशन कर रखा था रक्षक पिल्ले को वहाँ से ले आए उन्होंने फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया शेरनी अब शांत है पिल्ला प्रश्न है इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है So, read the lesson one or two times, understand the pronunciation. In the next video, we will see the explanation. Thank you, students.